तो हेलो दोस्तों, चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। हम मिलते हैं प्रमोद भैया से। रे प्रमोद भैया, हाय बोलो सबको। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? ओके, ये कट गए हैं आलू, ये रहे टमाटर, और आज गुरुवार है, आज हमारा फास्ट है, और अब जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि आज प्रमोद भैया ने भी सुबह से कुछ क्यों प्रमोद भैया अन्न का एक दाना ही नहीं गया उनके पेट में, सिर्फ जो गया फ्रूट ही गए हैं। हाँ, 5 केले और अमरूद, 1 किलो अमरूद और 5 केले, सिर्फ इतना ही खाए। अंगूर ही कह रहा हूँ, 1 किलो अंगूर और 5 केले खाए उन्होंने आज, बस सिर्फ इतना सा खाना खाया है दोस्तों, कोई टेंशन की बात नहीं है। और प्रमोद भैया आज मैच उनका फेवरेट मैच है, क्योंकि उनकी चेन्नई खेल रही है यार। देखो हमारे लिए तो देखो राजस्थान ही जीतेगी, पहले तो राजस्थान चेन्नई के लिए कटाक्ष भी नहीं सुन सकते थे ना, अब क्या करे भैया, सुनने पड़ते हैं। राजस्थान की फेवरेट है ना, बिल्कुल राजस्थान आपकी फेवरेट नहीं है और इसमें कोई शक नहीं है। आपने पिछली बार दोहरा चरित्र दिखाया था, मैं याद है, ठीक ही सी बात है, जीतनी ही थी, कितनी भी नजर लगा तो जीतेगी वो, आपसे बात है, समझ में आ गया आपको। और देखिए दोस्तों, लाइट जगमगा रही है आज, जबरदस्त माहौल है, हमारे लाइट ही लाइट है। प्रिय प्रमोद भैया ने आलू मैंने छील के काटे हैं, और टमाटर प्रमोद भैया ने किए, और ये प्योरी बनाने के लिए प्रमोद भैया ने जो है मसाला डाल दिया है मिर्ची के साथ, तो ये थोड़ी जल्दी बन जाती है दोस्तों। प्रमोद भैया ने बनाई है प्योरी, और ये मिक्सी में डाली है, नॉट चॉपर में डाली है, चॉपर की अलग होती है, मिक्सी की अलग होता है, मिक्सी में कुछ नहीं बचता टमाटर का, पूरा एकदम घोल पेस्ट बन गया, टमाटर सॉस बना दिया है आपने। अब टमाटर डाले तो नमक तो डालेंगे प्रमोद भैया, है ना प्रमोद भैया। चलिए दोस्तों, प्रमोद भैया की महान गाथा, उनके अच्छे उन्होंने अच्छे अच्छे आपने पिछले जन्म में जरूर मुझसे खाना बनवाया होगा, जो इस जन्म में आपको बनाना पड़ रहा है। हाँ ये बात भी तो सही बात है, तो कर्म फल है दोस्तों, यही भुगतना पड़ता है। प्यूरी ऐसी दिख रही है, लाल चटाकेदार होगी एकदम, और ये प्रमोद भैया अपने मुंडे से कुछ बोलते हुए बोलिए, अपने प्यारे मुंडे से कहीं बोलो कहीं चाहो थे, कहीं कहो कहीं चाहो बता दो मने, कहीं जाओ कहीं ये चालू हुए, हाँ पहले एक कर खत्म हुए था, ठा पड़े हो रात ने बस खाना बना हो। याद है आपको गुरुवार था उस दिन भी, बृहस्पतिवार, अरे पीछे जगह नहीं है भाई साहब, आप ये देखिए बनाते हुए प्रमोद भैया, जगह कहीं नहीं है, ये देख लो दीवार है बस, ये इतनी सी दूरी है जस्ट थोड़ी सी। ये अपने बलिष्ठ हाथों से आलू डालते, ठीक है, छोटे हाथों से कैसे डाल पाएंगे पता नहीं, बलिष्ठ हाथों से डालेंगे बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, ये डल गए हैं आलू, और मैं छिड़ाने वाला हूँ कड़छी को, और अब बनने वाली है हमारी सब्जी 2 मिनट में। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, और अब हम खाना खाने लगे हैं, क्योंकि अब ये देखिए सलाद, ये रायता मतलब, और अब हम खाना खाने लगे हैं। आज बृहस्पति महाराज का व्रत था, सुबह से कुछ नहीं खाए, अब खा रहे हैं, मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे अंकुश भैया कितने मेहनती है, देखो सुबह सुबह रोटी बना रहे हैं। हेलो अंकुश भैया, देख लीजिए वो अपने साथ में टीवी शो लगा लेते हैं, और साथ साथ में दिल का मैच कैसे जीते। अंकुश भैया जो है अब जो है तवे पे रोटी सेकना शुरू कर रहे हैं वापस से, बोले सीधी गैस में रोटी सेकना हेल्दी नहीं होती, इसलिए उन्होंने जो है वापस तवे पे रोटी सेकना शुरू कर दिया है, तो मेहनत थोड़ी और बढ़ गई है। क्या कहना चाहते हैं अंकुश भैया, एक टाइम खा रहे हो और इतनी मेहनत कर रहे हो, तो आपको नहीं लगता आपकी हालत खराब हो जाएगी? नहीं लगता, और महसूस भी नहीं हो रहा है दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल भी, देख लीजिए दोस्तों, चेहरा देख सकते हैं आप इनका। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल, गुड नाइट, जय हिंद, बाय।